The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had announced that in 3 months from now, all rides on metros and buses will be free for female commuters. There are still questions over how the plan will be implemented, but for women from economically weaker sections, it brings a ray of hope. Many of them have not travelled in a metro before. They say if it becomes free, they would prefer it as their means of transport. 47-year-old Geeta works as a domestic help and says she barely earns 3,000 rupees a month. Geeta spends over 400 rupees to take an auto to the interstate bus station every month when she needs to travel to her village. She has never travelled in a metro, but Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's new decision to make bus and metro rides free for women could make her first ride happen. ऑटो वाले तो पैसे ज्यादा मांगते ही हैं, इतना कमाते हैं, अगर जितने मन में आया इतने मांगते हैं वो पैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसे चल जाएगा, करेगा ही सरकार मंदा, तो फिर हम ऑटो में क्यों भागेंगे, हम तो मेट्रो में जाएंगे। बस इतना ही होता और क्या होगा गरीब आदमी को। तो अच्छा, पहले कभी सफर किया? कभी नहीं करा हमने। अच्छा, फ्री हो जाएगा तो फिर हम ऑटो में नहीं जाएंगे, मेट्रो में ही जाएंगे। 50-year-old शीला देवी वर्क्स एज अ कुक एंड अर्न्स 2,500 रुपीज अ मंथ। नहीं, वो हमने कभी करा ही नहीं है मेट्रो में। हम बस से जाते हैं, काम फॉर्म जाते हैं कभी बाई चांस। तो मेट्रो फ्री हो जाएगी तो देखिए चले जाए करेंगे, कुछ मेट्रो में बैठ जाए करेंगे। और क्या, इतनी परेशानी उठाते हैं, गरीब लोग हैं, इतना किराया देते हैं ऑटो में बसन में, तो मेट्रो से ही चले जाए करेंगे। Today, Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia also travelled in Delhi's buses to get first-hand feedback from women on the new scheme. सबसे बहुत positive है, अभी आज भी मैं इतनी सारी महिलाओं से मिला हूँ, बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कहा है कि हम मेट्रो में चढ़ने से डरते हैं क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा है। ऐसी महिलाएं भी मिली जिन्होंने कभी मेट्रो नहीं देखी है, मेट्रो में नहीं गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि किराया वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। तो एक बार उनके मन में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी सरकार ने मेरे लिए मेट्रो फ्री कर दी है, तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ मेट्रो में जाएंगी, वो भी सिक्योर फील करेंगी। मतलब हम आराम से जा सकते हैं कहीं भी। मतलब हम सोचते हैं कि मेट्रो से जाके क्या फायदा, हम बस से चले जाते हैं, हमारे ज्यादा पैसे जाते हैं। अब फ्री हो गया है तो हम बेझिझक जा सकते हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं, बच्चे कुछ भी कोर्स भी कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, होना चाहिए लेडीज के लिए तो। The way the grand announcement was made and ministers are directly interacting with the public, expectations from the Delhi government are going to be very high. It is going to be a test of the government in the next 3 months on whether it can turn words into actions. In New Delhi, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.